हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको एक ऐसा एक्सरसाइज दिखाऊंगी क्रिकेट वार्म अप के लिए जो शायद किसी ने नहीं दिखाया होगा। एक ऐसा एक्सरसाइज जो एक ही राउंड में पूरे बॉडी को वार्म अप कराता है, और एक ऐसा एक्सरसाइज जो मैंने खुद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते समय यूज किया था। मैं हूं स्नेहल प्रधान, फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर। आप देख रहे हो क्रिकेट विद स्नेहल, और इंटरनेशनल क्वालिटी क्रिकेट टिप्स के लिए सब्सक्राइब करके घंटी बटन जरूर दबाना। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि क्रिकेट मैच से पहले आप सूर्य नमस्कार करके वार्म अप कैसे करा सकते हो। अगर आपको ये टेक्निक पता है, आपको डायरेक्ट टेक्निक सीखना है, तो इस टाइम स्टैम्प पे आप जा सकते हो, नहीं तो 2 मिनट मेरी बात सुनिए कि मैं ये टेक्निक आपके लिए क्यों एडवाइस कर रही हूँ। सूर्य नमस्कार एक सीक्वेंस ऑफ योगासन है जो जिससे आपका कोर स्ट्रेंथ बढ़ता है, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ता है, आपका मसल स्ट्रेंथ बढ़ता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ती ही है, और आपका फैट बर्न भी होता है। सो इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ एक्सरसाइजेस जिनमें ये सारे बेनिफिट्स है। काफ़ी सारे एथलीट सूर्य नमस्कार रेगुलरली करते हैं, राइट फ्रॉम यंगर प्लेयर्स लाइक स्मृति मानधना टू ओल्डर प्लेयर्स लाइक लियांडर पेस जो 40 प्लस के एज पे भी अभी तक टेनिस प्रोफेशनली खेल रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूर्य नमस्कार का एस्पेक्ट है ब्रीदिंग की। सूर्य नमस्कार में अल्टरनेट ब्रीदिंग पैटर्न है। एक एक्सरसाइज में अगर हम ब्रीद इन करते हैं, दूसरे में ब्रीद आउट करते हैं, तो ब्रीदिंग रेगुलराइज होने की वजह से बहुत सारे फायदे हैं। इंटरनल ऑर्गन्स के फायदे हैं, मेंटल कामनेस के फायदे हैं। सो इट इज़ लाइक मेडिटेशन प्लस एक्सरसाइज ऑल इन वन, अगर आप ध्यान से करो तो। एक 2 मिनट हल्का सा फिजिकल वार्म अप करो, थोड़ा सा रनिंग करो या स्किपिंग करो ताकि आपकी बॉडी लूज हो जाए, गर्म हो जाए, और फिर सूर्य नमस्कार चालू करो। ये आपको मैच के लिए तैयार होने के लिए बहुत मदद करेगा। मैंने खुद मैचेस से पहले सूर्य नमस्कार किए हैं, और अगर आपको मैच परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए और जानकारी चाहिए तो मेरा फ्री गाइड डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करना। नाउ लेट्स गेट इन टू द टेक्निक। 3, 2, 1 शुरू कीजिए नमस्कार पोजीशन से। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, फिर ब्रीद इन करते हुए रीच अप, स्ट्रेच योर शोल्डर्स, मूव योर बैक, स्ट्रेच योर एब्स, फिर ब्रीद आउट करते समय नीज स्ट्रेट, ट्राई एंड टच द ग्राउंड, ट्राई एंड पुट योर हेड टुवर्ड्स योर नीज, फिर ब्रीद इन करते हुए वन लेग बैक and stretch up, push your hips down, आपका hip flexor stretch होगा। फिर आपका दूसरा पैर पीछे लीजिए, दोनों पैर एक साथ और बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में, ये हमारा स्ट्रेट हैंड प्लैंक पोजिशन हो। ये ब्रीद आउट करते समय करोगे, फिर ब्रीद इन करते समय रॉक बैक, ब्रीद आउट करते समय कम फॉरवर्ड, नीज chest and chin on the ground, hips in the air. Breathe in करते समय stretch up, bhujangasan, again stretch your abs. Breathe out करते हुए push your knees, push your head towards your knees and stretch your hamstrings and calves as well as your shoulders. फिर दूसरा पैर सामने, push your hips down, look up, breathe इन, स्ट्रेच योर हिप फ्लेक्सर्स, यहां पे स्ट्रेच होगा आपका, ब्रीथ आउट, बोथ लेग्स टुगेदर, फिर एक बार नी स्ट्रेट, पुश योर हेड टुवर्ड्स योर नीज, ब्रीथ इन, स्ट्रेच अप, स्ट्रेच योर एब्स, स्ट्रेच योर शोल्डर्स, ब्रीथ आउट, फिर एक बार नमस्कार पोजिशन में। इंस्टाग्राम लाइव पे मैं एक फिजियो, मेरी फ्रेंड है अनुजा, उसके साथ डिस्कस कर रही थी, और उसने भी रेकमेंड किया बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ये वार्म अप के लिए। यू कैन इवन ऑलमोस्ट डू इट एज अ कूल डाउन, क्योंकि बेसिक स्ट्रेचिंग है, और 3 से 4 राउंड आप कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो। अगर आप एडवांस्ड हो तो 12 के अनेक सेट्स भी आप कर सकते हो। मैंने एक दिन में एक बार
50 rounds किए थे. So it's totally up to you and I hope कि ये video आपको मदद करेगा और आपकी match warm up के लिए आपको फायदा होगा इसका. अगर हाँ तो ज़रूर like button दबा के मुझे बताओ, comment करो कि आपने कभी ये exercise सुना है क्या, किसी और से किसी और ने recommend किया है क्या, और I want to hear what you have to say. और अब अगले video में मिलते हैं. Be positive, keep smiling, enjoy your cricket.